हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2019 में ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए क्वेश्चन कंसीडर द सेट ऑफ मेट्राइसिस जी इक्वल टू एस बी ज़ीरो वन इस तरह से ये सेट है जिसमें मेट्रिक्स इस फॉर्म में है बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एस बिलोंग्स टू माइनस वन एंड प्लस वन यहाँ पर जो S है वो एंट्री क्या आएगी या तो माइनस वन या फिर प्लस वन इस तरह से देन ऑप्शन में क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फर्स्ट में है जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन जी फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन थर्ड एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी एंड फोर्थ है जी इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हमारे पास यहाँ पे ये यह जो सेट दिया हुआ है इसमें इस तरह की मैट्रिक्स आएगी एस बी ज़ीरो वन एंड एस कहाँ से बिलोंग कर रहा है एस में जो एंट्री आएगी मतलब यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो या तो माइनस वन या फिर प्लस वन एंड बी ये बिलोंग कर रहा है इंटीज़र से तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो इंटीज़र आएगी देन हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स ए माइनस वन जीरो ज़ीरो वन एंड बी माइनस वन टू जीरो वन इस तरह से हमने दो तो मैट्रिक्स कंसिडर की अब हमें ये चेक करना है कि ये जो जी है क्या ये ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन देन हमें क्या करना है हम पहले इसमें ये चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या तो ए एंड बी को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास माइनस टू फोर जीरो टू अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमें क्या मिल रही है माइनस टू एंड हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या आनी चाहिए एस आनी चाहिए और एस कौन सी मतलब एस में से किस तरह के एलिमेंट आने चाहिए या तो माइनस वन या फिर प्लस वन बट यहाँ पे हमारे पास एंट्री मिली माइनस टू तो इसका मतलब ये तो इस जी में बिलोंग नहीं करेगा इस सेट में हमें यहाँ से क्या मिल गया जी डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन देन फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है जी फॉर्म और ग्रुप अंडर एडिशन दैन फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है जी फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है कोई ग्रुप जो है जी स्टार जी एंड उसमें ऑपरेशन है स्टार तो वो अबेलियन ग्रुप कब होगा जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन लेना है एंड उसमें यह चेक करना है कि ये ग्रुप जो है क्या वो अबेलियन ग्रुप होगा तो हम फिर से मेट्रिक्स कंसिडर करते हैं वन टू जीरो वन एंड माइनस वन वन जीरो वन ये मैट्रिक्स ए एंड ये मैट्रिक्स बी ये हमने मैट्रिक्स कंसिडर कर ली अब हमें ये चेक करना है कि ये अबिलियन ग्रुप बनाएगा तो देखो ए ब इक्वल टू बी आना चाहिए हमारे पास अबेलियन ग्रुप के लिए तो कंडीशन ये होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम चेक करेंगे तो ए बी इक्वल टू बना चाहिए देन ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी माइनस वन थ्री जीरो वन इसी तरह से जब हम बी ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी फिर ए तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलेगी -1 -1 0 एंड 1 अब हम देख रहे हैं ab नॉट इक्वल टू ba इसका मतलब g इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है थर्ड में दिया हुआ है एवरी एलिमेंट इन g इज डायगोनलाइजेबल ओवर c मतलब इस g के अंदर जो सेट दिया हुआ है g उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या है डायगोनाइजेबल है अब जी में किस तरह से एलिमेंट आ रहे हैं मेट्रिक्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो ये बताना मैट्रिक्स टाइगोनाइजेबल होगी या नहीं होगी अब मैट्रिक्स टाइगोनाइजेबल हमने लीनियर एल्जेब्रा में पढ़ा है मैट्रिक्स टाइगोनाइजेबल कब होती है जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो इक्वल हो तो हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स वन टू जीरो वन ये बिलोंग कर रही है जी में हम उसके अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं अब यहाँ से देखिए ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी वन वन देन यहाँ से हमें क्या मिल गया एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन इक्वल टू टू देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइन करते हैं एन माइनस रिंग को फे माइनस लेमडा आई तो एन क्या है यहाँ पे टू क्योंकि ये टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू टू है टू माइनस रिंग को फे माइनस आई क्योंकि लेमडा इक्वल टू वन ले रहे हैं तो वन के लिए जब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइन करेंगे तो वो कह जाएगा टू माइनस रिंग को फे माइनस आई एंड इसमें से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ से मैं तो क्या मिल जाएगा ये एंट्री जीरो हो जाएगी ना यहाँ पे टू जीरो तो इसकी रेंक क्या आ गई वन आ गई देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी वन के लिए टू माइनस वन इक्वल टू वन इसके लिए ए एम टू है एंड जी एम क्या है वन है तो ए एम नॉट इक्वल टू जी एम देन ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल तो इसका मतलब इसकी जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में वो डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे देन थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया अब देखिए फर्स्ट इन करेक्ट सेकेंड इन करेक्ट थर्ड इन करेक्ट देन फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा तो इस क्वेश्चन के ये तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर एनी प्राइम g, कंसिडर द ग्रूप g इक्वल टू जी two Z p Z. Then which of ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फर्स्ट है g हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p. सेकेंड g हैज़ एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p. थर्ड में है g हैज़ नो no p साइलो सब ग्रुप्स एंड फोर्थ है एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इस कॉन्जुगेट टू अट्रिक्स वन zero जीरो वन तो देखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जी दिया हुआ है जी एल टू जेड पी जेड देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया है जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी तो हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ़ पी एस एस जी क्या है इसके लिए अगर हम ऑर्डर ऑफ़ पी एस एस जी निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पी की पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू देन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू है यहाँ पर ये यह देखिए एन की वैल्यू टू है तो वैल्यू रखेंगे तो पी की पावर टू इंटू टू माइनस वन अपॉइंट टू तो ये वैल्यू आ जाएगी पी देन हमें क्या मिल गया ऑर्डर ऑफ पी एस एस जी इक्वल टू पी इसका मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी है तो एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक देन यहाँ से पी एस एस जी इज़ देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी एंड ऑप्शन में यह दिया हुआ जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन है जी हैज़ एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है जी एल टू जेड टू देन इसका ऑर्डर फाइन करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन इंटू पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी होगा सॉरी पी स्क्वायर माइनस वन इंटू पी स्क्वायर माइनस पी देन इस अगर हम पी की वजह लें तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा टू स्क्वायर माइनस वन इंटू टू स्क्स टू इक्वल टू सिक्स इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये एस थ्री आइसोमॉर्फिक होगा एस थ्री में ऑर्डर टू के थ्री एलिमेंट्स होते हैं देन यहां से सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है जी हैजेक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी बट अगर हम पी की वैल्यू टू लेके चल रहे हैं तो वहां से हमें ये जो ग्रुप एस थ्री का आइसोमॉर्फिक मिला और एस थ्री में ऑर्डर टू के थ्री एलिमेंट्स होते हैं देन यहाँ सेकेंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है जी हैज नो पी साइलो सब ग्रुप्स तो इसे भी देख लेते हैं अगर हम देखें हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है जी एल टू जेड पी जेड देन यहाँ पे अगर हम इसके पी एस एस जी काउंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास वन प्लस पी या फिर पी प्लस वन इसके पास में नंबर ऑफ पी एस एस जी कितने होंगे पी प्लस वन एंड यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है जी हैज़ नो पीस साइलो लो सब ग्रुप्स बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है उसके पास में तो पी एस एस जी अगर हम काउंट करेंगे तो वो पी प्लस वन आएंगे देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा फोर्थ में दिया हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इज कॉन्जुगेट टू अ मैट्रिक्स वन ए जीरो वन इसके लिए देखिए हमारे पास स्टेटमेंट होता है फॉर अ प्राइम पी ईच एलिमेंट ऑफ जी एल टू जेड पी जेड विथ ऑर्डर पी इज कॉन्जुगेट टू अ स्ट्रिक्टली अपर ट्राएंगुलर मैट्रिक्स एंड यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है वो भी क्या है अपर ट्राएंगुलर है एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इज कॉन्जुगेट टू अ मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही दी हुई है देन यहाँ से ये यह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकंड और थर्ड इन इनकरेक्ट हो गए